नागपुर जिले में जिला परिषद के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी स्कूल 26 जनवरी तक बंद रहेंगे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुम्बेशकर ने बताया कि स्कूल कब खोले जाए इस पर 26 जनवरी के बाद फैसला लिया जाएगा राज्य सरकार ने स्थानीय प्रशासन को महाराष्ट्र में स्कूल शुरू करने पर निर्णय लेने का सुझाव दिया है इस संबंध में शाम को जिला कलेक्टर आर विमला और जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी योगेश कुम्बेशकर के बीच बैठक हुई जिले में इस समय मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है इसलिए स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी और जिला टास्क फोर्स द्वारा हाल ही में व्यक्त की गई चिंता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है की मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सभी स्कूल छब्बीस जनवरी तक बंद कुम्बेशकर ने यह भी स्पष्ट किया कि इस संबंध में निर्णय की घोषणा 26वीं समीक्षा के बाद की जाएगी कैमरा पर्सन राजकुमार मोड के साथ अभिषेक पान से बी न्यूज नागपुर